खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनको लेकर चर्चा करेंगे। आपको तारुफ कराते हैं उनका। एके मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है। एके मिश्रा जी, घाटी में जिस तरह से मैंने जिक्र किया कि इस वक्त कई चीजें चल रही हैं, अलगाववादी नेताओं को हिरासत में लेना, बुरहान वानी का कल जो है बरसी होना, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ना, इसको लेकर हालात काफी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं वहां पर। आसिफ, देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने एक बार पहले भी आपके इसी चैनल पे डिबेट हुआ था इसी इशू को लेकर के। देखिए यहाँ पे जितने इंटरनल स्टेक होल्डर हैं कश्मीर अपने, जो मतलब इंडियन सेक्टर में जो कश्मीर है, इसमें हम पाकिस्तान को इंक्लूड नहीं करेंगे, वो स्टेक होल्डर हम उनको नहीं मानते हैं। सवाल ये है यहाँ पे मल्टी एंगुलर एक अप्रोच चाहिए। देखिए आज अभी मैं आपको बताऊँ, बुरहान वानी को मारा गया, मारे जाने के बाद ये लोग बरसी मना रहे हैं, तो इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजन क्या हो सकता है उन नेताओं का? देखिए कहीं ना कहीं वो पब्लिक परसेप्शन के साथ इसको जोड़ रहे हैं, उसको हीरो की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि एक मौका, इनके पास कोई नया मौका तो आ नहीं रहा है, एक नया मौका और क्रिएट किया जाए। मैं बोलना ये चाहता हूं कि केवल बुरहान वानी का ही आप क्यों मना रहे हो? 250-200 लोग आतंकवादी मारे गए हैं, तो हर दिन साल भर ये मनाओ। ये प्योर और प्योर उनको अपने अस्तित्व को बचाने की यहाँ पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और गवर्नमेंट को यहाँ देखिए, आर्म फोर्सेस का जो काम है वो एक डिफरेंट रोल है, ये पब्लिक साइकोलॉजी क्राउड मैनेजमेंट का यहाँ पे रोल है और आइडियोलॉजी के साथ फाइट है। तो गवर्नमेंट को इस चीज पर भी जो है ध्यान देना चाहिए और इस एंगल से भी फाइट करनी चाहिए कि ऐसी ताकतों को, ऐसी मनोभावनाएं जो ऐसी हैं कि गलत चीजों को जो हाईलाइट किया जा रहा है, एक जबरदस्त कैंपेनिंग वगैरह आइडियोलॉजिकल लेवल पे होना चाहिए ताकि वो मॉब को मैनेज कर सके और लोग उनके साथ न जुड़े। यहाँ पे मुझे गवर्नमेंट की लैकिंग दिख रही है। आसिफ, क्या लगता है राजीव जी, क्या यहाँ पर कमजोरी सरकार की दिखाई दे रही है? सरकार चाहती तो इसको कंट्रोल कर सकती थी, और इस वक्त प्रशासन के सामने, सेना के सामने काफ़ी मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि 3-4 चीज़ें इस वक्त घाटी में चल रही हैं। देखिए आसिफ जी, जैसा आपने बताया कि वहाँ चल रही हैं ये चीज़ें चल नहीं रही हैं, आतंकी संगठनों द्वारा और सरकार द्वारा चलवाई जा रही हैं प्री प्लान पर्दे के पीछे से, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। एक आतंकी मतलब इस जो देशद्रोही बता करके उसको उठाया गया है, आसिया को और NIA की टीम लाई है, क्या अकेली आसिया वहाँ देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त हैं? बड़ा सवाल ये भी है। हालांकि मैं आसिया की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मगर वहाँ आतंकी संगठनों को पनाह देने वाले और आतंक को पनाह देने वाले और भी लोग लिप्त हैं, उन पर सरकार हाथ नहीं डाल रही है। बुरहान वानी की बरसी वहाँ मना रहे हैं लोग, जम्मू कश्मीर के लोगों को आतंकवादियों से प्यार है, हमारे देश के कई वहाँ मुस्लिम सैनिक भी शहीद हुए हैं राष्ट्र कर्तव्य वेदी पे, उनकी बरसी तो वो नहीं मना रहे हैं। अभी औरंगजेब जो एक सैनिक थे वहाँ पे, औरंगजेब शहीद हुए हैं, एक पिछले बार DSP, पिछले साल DSP शहीद हुए थे, मस्जिद के सामने उनकी हत्या कर दी गई थी। एक अभी हमारे पत्रकार शहीद हुए हैं वहाँ पर, उनके लिए क्यों नहीं है लोग जो वहाँ जम्मू कश्मीर के लोग हैं ये कैंपेनिंग चला रहे हैं? ये कहते हैं कि हर घर से हर घर से अफजल निकलेगा, उसका सहयोग करेंगे। कितने अफजल मारोगे? ये क्यों नहीं कह रहे कि इस आतंकवाद का विरोध करेंगे जो हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहा है और हमारे सैनिकों को पहले जम्मू कश्मीर को ही पहुंचा रहा है? बिल्कुल, देश को भी पहुंचा रहा है, जम्मू कश्मीर को भी पहुंचा रहा है, जम्मू कश्मीर भी देश का हिस्सा है आसिफ। हाँ। बड़ा सवाल इस बात का है कि वहां आतंक पल नहीं रहा है, आतंक पाला जा रहा है, आतंक के नुमाइंदे पाले जा रहे हैं। मुझे वो दिन भी याद आता है, वो दौर भी याद आता है, जब पंजाब में खालिस्तान की मांग को लेकर के भिंडरांवाला सहित तमाम जो संगठन वहां आतंकी पल रहे थे और KPS गिल ने केंद्र सरकार से एक अनुमति मांगी थी कि मुझे अपने तरीके से आतंकवाद से जो है सुलटने दिया जाए, और वहां सुलटा गया था आतंकवाद, और आतंकवाद पंजाब से जड़ से खत्म हो गया था। जब पंजाब से खत्म हो सकता है, सरकार की जो है नीति और नियत में फर्क है। बिल्कुल, अगर वहां भी खत्म नहीं होता है तो धरातल पर वो चीजें दिखाई देती हैं। पंजाब में बहुत पहले हो चुकी है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए, महमूद आलम जी, स्वागत है। महमूद आलम जी, जो घाटी में इस वक्त सब कुछ चल रहा है जम्मू कश्मीर में, किस तरह से देख रहे हैं हालात? दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। नहीं आसिफ, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, हालात तो बड़े चिंताजनक हैं, और जिस तरीके से टेररिस्ट ने अपनी टैक्टिक्स को चेंज किया है, अब वो जो है वहाँ की पुलिस को निशाना बना रहे हैं,
और आपको ये मालूम है कि कोई भी आर्मी ऑपरेशन जब होता है वो इंटेलिजेंस की बेस पे होता है और इंटेलिजेंस पुलिस के जरिए मिलती है, तो पुलिस का मनोबल जो है वो गिराना चाहते हैं। और उसके अलावा दूसरी एक चीज और जो वहाँ पे नया डेवलपमेंट हुआ है वो ये है कि देखिए पहले जो थी वहाँ पे आतंकवाद की भागदौड़ जो है फॉरेन टेररिस्ट के हाथ में थी, लेकिन एक जो बहुत यहाँ पे चेंज हुआ है वो बड़ा चिंताजनक चेंज है कि अब वहाँ के जो जवान हैं वो जो है आतंकवाद की तरफ जा रहे हैं और वो मिलिटेंसी को ज्यादा से ज्यादा जो है ज्वाइन कर रहे हैं। तो देखिए आसिफ यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, लेकिन महमूद आलम जी जम्मू कश्मीर के जवान सेना में भी भर्ती हो रहे हैं। नहीं नहीं वो बिल्कुल हो रहे हैं, मैं आपकी बात मान रहा हूँ, आज सेना में अब आतंकवादियों से लड़ भी रहे हैं, अब पुलिस में भी हो रहे हैं, लेकिन आज आप वहाँ पे ये देखिए जो एक डर और खौफ का माहौल बैठ गया है वहाँ पे। और मेरा ये मानना है कि पॉलिटिकल वैक्यूम वहाँ पे पैदा हो गया, जो इवन जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी आवाम में नहीं जा पा रहे हैं और एक बिल्कुल डेडलॉक हो गया है। तो इसको बहुत जल्दी हम इस डेडलॉक को और जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया है इसको बहुत जल्दी जो है हमें पुर करना पड़ेगा, वरना आने वाले दिन और जो है खतरनाक हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ललन प्रसाद जी, जिस तरह से महमूद आलम जी कह रहे थे कि राजनीतिक गतिविधियां कुछ इस तरह से चली, कुछ हालात इस तरह से वहां पर बन गए जिसका असर सुरक्षा को लेकर वहां पर पड़ रहा है, लेकिन अब जो है उस दिशा में काम हो रहा है, अलगाववादी नेता जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है, क्या सिर्फ बुरहान वानी की बरसी को लेकर हिरासत में लिया जा रहा है या लंबे तौर पर इस तरह की कार्रवाई भी हो सकती है? लल्लन जी देखिए कार्रवाई तो लंबे तौर पर भी होनी है, लेकिन इस समय तो इमीडिएट प्रॉब्लम है, जैसे कल की प्रॉब्लम है, तो ऐसी हालत में गवर्नमेंट को बहुत सख्ती के साथ इस सिचुएशन को संभालना है, क्योंकि वहाँ आम जनता एक तो आतंकवादियों और अलगाववादियों से डरी हुई है और उस डर के कारण लोग बहुत से लोग अधिकांश लोग कश्मीर के ऐसे हैं जो भारत के साथ हैं, लेकिन जो भी लोग हमारा साथ इस समय नहीं दे रहे हैं वहाँ पर, या सेना का साथ या पुलिस का साथ नहीं दे रहे हैं, अधिकांश लोग डरे हुए हैं क्योंकि आतंकवादी ये घर में घुस जाते हैं, उनके घर में जाके रहते हैं और उनके बच्चों को उनको सबको परेशान करते हैं, उनको लगता है कि हमें मार देंगे कुछ कर देंगे, क्योंकि जितने केसेस हुए हैं देखिए अधिकांश ऐसा हुआ है कि घरों में ही जाके घुसे हैं और फिर पुलिस को और फिर हमारी मिलिट्री को उनको घरों से निकालना पड़ा है और गोलियाँ चलानी पड़ी हैं, ग्रेनेड चलाने पड़े हैं और इस स्थिति है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने बहुत पैसा कश्मीर में बांटा हुआ है और जो नौजवान जितने पत्थर मार रहे हैं अभी यही रिपोर्टें हैं कि सब उनको पैसे देती है, पाकिस्तान की ओर से पैसे आ रहे हैं, तो ये फंडिंग को इमीडिएट कैसे रोका जाए, गवर्नमेंट को सब तरफ से एक्शन लेना है, एक तो अपनी मिलिट्री को और पुलिस को पूरी छूट देनी है, और फॉर्चुनेटली जब से महबूबा गई हैं, जब से ये इन लोगों का आपस का वो भेद हुआ है और ये सरकार गिरी है, तब से आप देखिए कि स्थिति काफ़ी कब्जे में सरकार के आई है और बहुत सारे आतंकवादी मारे भी गए हैं, लेकिन अभी भी कोई 200 के ऊपर आतंकवादी हैं जो घरों में लोगों के छिपे हुए हैं, कश्मीर के अंदर हैं, तो ये आतंकवादी सिर्फ कश्मीर के मतलब पाकिस्तान से आए हुए लोग नहीं हैं, कुछ अंदर के लोग भी हैं, कुछ बाहर के लोग भी हैं, और अंदर के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको, इसकी वजह से समस्या समझने की ज़रूरत है, क्या डर के वो आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के ही दो सैनिकों को हाल ही में उनका अपहरण करके और उनको मार दिया गया, क्या ये सब डराने के लिए आतंकवादियों ने किया था कि ताकि जो है वहाँ के लोग भी डरें और उनको सपोर्ट करें? वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, आज का मुद्दा बात जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर हम कर रहे हैं, तीन खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। एके मिश्रा जी, क्या कल का दिन प्रशासन के लिए सेना के लिए काफी चुनौती भरा है, क्योंकि कई चीजें जम्मू कश्मीर में चल रही हैं, हालात को काबू में पाना? आसिफ देखिए डेफिनेटली कल क्या हो क्या नहीं होगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक पॉइंट है जो पकड़ने वाली चीज है, आप ये देखिए अगर कल ये लोग कर रहे हैं या इन्होंने ये घोषणा की है
तो आप ये समझ जाइए कि अलगाववादी तत्वों के इरादे क्या हैं। हाँ। उन्होंने इस चीज को एज ए हीरो बना के सेलिब्रेट करने का जो है एक नई प्रथा की इन्होंने शुरुआत की है। और अगर इस पे गवर्नमेंट ने सख्ती से काम नहीं लिया, मैंने आपको बोला मल्टी एंगुलर में आपके जो सुरक्षा बल है वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए, चार पांच तरीके से हमको इसको मैनेज करना पड़ेगा, केवल एक तरीका सफिशियंट नहीं होता है। यहाँ पे ये जो है, आप ये देखिए, ये एक साइकोसोमेटिक वार है जहाँ पे मॉब या क्राउड की जो एक बिहेवियर होता है, जो साइकोलॉजी होता है, उसको मैनेज करने के लिए ये चीज होता है। कल अगर वो सक्सेस हो भी गए तो एक ये आगे के लिए एक बहुत बड़ा ये माइलस्टोन ये लोग बना लेंगे कि देखो जी, अब हम एक हफ्ते बाद फिर किसी और का करेंगे, 25 दिन के बाद फिर करेंगे। ये उनको एक बहाना मिल जाएगा पूरे घाटी को डिस्टर्ब करने का और चुनौती देने के लिए जो है भारतीय सेनाओं को और भारत की सरकार को। तो मैं ये समझता हूं कि इनका केवल डिक्लेरेशन ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत संजीदा तरीके से लेना चाहिए और इस चीज को नेस्तनाबूद करने के लिए, विफल करने के लिए, केवल ये नहीं कि आप आर्मी या सीआरपीएफ फोर्सेस वगैरह लगा दे, धारा 144 लगा दे। इस वक्त सबसे जरूरी है किसी एक्सपर्ट को बैठा करके जो मॉब की साइकोलॉजी होती है, क्यों लोगों को ये चीजें, मतलब कौन ऐसे लोग हैं जो शह दे रहे हैं, किन आइडियोलॉजी पे लोगों को शह दे रहे हैं। सोचने वाली बात ये है, देखिए सबसे ज्यादा डिस्टर्ब वहां पे आप देखेंगे तो कश्मीर वो वैली ही है। वैली इतना डिस्टर्ब है क्यों, सैकड़ों लोग, भले ही वो ठीक है लाखों में नहीं है, मतलब पूरी वहां वैली के सारे लोग नहीं है, लेकिन 100, 200, 500, 1000, 2000 जो भी है, जो मुट्ठी भर है, इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। और आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह सारी चीजें हैं। आसिफ, सबसे बड़ी जरूरत है ना कि दो ग्रुप में वहां के लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, मॉब को। एक वो जो एंटी हैं और ऐसे एक्टिविटी में भाग लेते हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाए, उनको कैसे भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे के समझा के, अगर वो हिंसक गतिविधियों में लिप्त होते हैं तो वो हिंसक तरीके से यहाँ पे सेना को भी रिवर्ट करना पड़ेगा उसी तरीके से। लेकिन जो ऐसे हैं जो शांति प्रिय हैं, लेकिन किसी बलवे में आके, किसी बहकावे में आकर के ये मोटिवेट होके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन लोगों को ब्रेन वॉश करके, उन लोगों को मोटिवेट करके, समझा करके रास्ते पे लाया जाए, तो एक तरीके से एक ये मॉब और क्राउड की जो साइकोलॉजी होती है उसको समझते हुए सरकार को हर दिशा में वहां पर काम करना पड़ेगा, और सख्ती से भी काम करना पड़ेगा और नरमी से भी वहां पेश आना पड़ेगा, इस तब जाकर हालात वहां पर काबू होंगे। ललन प्रसाद जी, जिस तरह से अलगाववादी नेताओं ने ऐलान कर दिया कि कल जो है जम्मू कश्मीर बंद रहेगा, सारे लोग सहयोग करें, एक रैली निकालें, एक आतंकवादी की मौत की बरसी को लेकर सब कुछ हो रहा है, क्या सरकार को समझ में नहीं आना चाहिए कि ये नेताओं का मकसद क्या है? अब आप उनको हिरासत में ले रहे हैं, नज़रबंद कर रहे हैं, ये बात तो आपको काफी पहले समझ में आ जाना चाहिए थी। जो कार्रवाई आज आप कर रहे हो, ये अगर 4 साल पहले कर चुके होते अगर आप, तो हालात को काबू में कर लेते। लेकिन क्या राजनीति की मजबूरी है जो सख्ती से काम नहीं ले रही सरकारें? आसिफ जी, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि सरकार ने समय गंवा दिया, जो 3 साल सरकार ने गंवाए हैं इसमें। देखिए, जब ये महबूबा के साथ उन्होंने अपनी पार्टनरशिप शुरू की, तभी महबूबा के साथ इनको एक शर्त रखनी चाहिए थी, जो अलगाववादी नेता हैं कश्मीर के या जो आतंकवादियों का साथ देते हैं, उनका सरकार साथ नहीं देगी। अगर इस शर्त पर उन्होंने सरकार बनाया होता तो आज शायद स्थिति ही दूसरी होती। वहाँ तो ये जैसे अभी बात हुई कि पॉलिटिकल, अभी जो बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया है, तो ये पॉलिटिकल वैक्यूम को ख़त्म करने के लिए तो इन्होंने पार्टनरशिप की थी महबूबा के साथ, और वो पॉलिटिकल वैक्यूम की जगह दूसरा ही कुछ हो गया, स्थिति इनके हाथ से बाहर निकलती गई और सेना को इन्होंने, सेना के हाथ बांध दिए और सेना को इन्होंने काम नहीं करने दिया। अब वो स्थिति आ गई है कि जब ये समझ रहे हैं कि सेना को और कश्मीर की पुलिस को फ्री हैंड जब तक नहीं देंगे तब तक ये स्थिति नहीं सुधरेगी। और देखिए, जो हमारे जनरल हैं रावत साहब, ये बहुत दिन पहले से ही कह रहे हैं इस बात को कि हमें आप फ्रीडम दीजिए वहाँ पर एक्टिव होने के लिए। और ये रमज़ान का महीना, एक महीना जो चला गया था, उसमें देखिए सारी एक्टिविटीज जो इस समय अब सरकार दबाव में आ गई है। हमारे साथ एक रक्षा विशेषज्ञ सरकार जुड़ चुके हैं, स्वागत है पीएन हुन जी। जम्मू कश्मीर में जो सब कुछ चल रहा है, अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी, बुरानी के कल बरसी, इसके अलावा वहां पर रैली, कई जगह कर्फ्यू लगना, किस तरह से इन हालातों को आप देख रहे हैं, कैसे काबू में होंगे ये? ये तो काबू में है ही नहीं। ये काबू में तब आएंगे जबकि हमें कोई एक्चुअल करना पड़े। और मैं आपको बताता हूँ, मैं उधर था, मैं कोर कमांडर था, और
यही बात हो रही थी कि भाई उन दिनों में मुफ्ती सी बाकी थे सबसे, और ये चल रही थी बात कि भाई अब कैसे करेंगे, इधर रहेंगे उधर रहेंगे। तो मैंने तो बोल दिया इनको, मैंने कहा देखो ये अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो मैं आपको दो दिन का खाना दूंगा और टोली 10-12-20 आदमी की आपको क्रॉस करा दूंगा और जाइए आप पाकिस्तान जी। और वो कामयाबी हुआ कि वो गए और चले गए। अच्छा, दूसरी बात मैंने क्या किया वो सर कि जो हमारी लड़कियां हैं बच्चे हैं उनको पढ़ाई भी तो कराना है ना जी। और उस वक्त इतना गलत काम कर रहे थे कि अभी भी नहीं कर रहे। मैंने तो बोला था कि जो हमारी कश्मीरी बहनें हैं या लड़कियां हैं उनको हम इंडिया में भेज देते हैं, वो एक ही बात है, उधर उनको दो स्टाइपेंड उनको सिखाओ तब ये हमारे पास आएंगे। आपको आप पता है कि इन्होंने पत्थर मारने शुरू हो गए हैं और ये बच्चों को पत्थर तोड़ना सिखाने के लिए ये सेंट्रल इंडिया में भेजा हुआ है इनको, मुझे पता है ये उधर सीखते हैं कि पत्थर कैसे तोड़ना है और फिर आराम से आ जाते हैं और वो ही तो पत्थर उधर मिलता है वो तोड़ के और वो कर रहे हैं। जी क्या तो, जो जम्मू कश्मीर की राजनीति है, अलगाववादी नेता हैं, कई संगठन हैं, ये क्या पूरा माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? और ये सब जानते हैं लेकिन भारत सरकार क्यों नहीं इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करती है और नहीं कर पा रही है? क्या हालात जो बिगड़े हैं इसकी एक बड़ी वजह ये भी है? बिल्कुल, आपको मैं हैरान हो गया था कि चंद ही दिन हुए हैं उन्होंने मुझे बोला है कि आप जो है वो कश्मीरी पंडित हैं, वो वर्ल्ड के आया है, ये जनरल हून वर्ल्ड के पंडित है और उधर के हैं। और मैं तो तैयार हूँ, अगर हम उधर जाते हैं उनके लिए हमने काम ही करना है ना, हमने गोलियां थोड़ी मारनी है। गोलियां तो उनको बोलेंगे कि बेटा मत मारो मत मारो, आप लोगों को सब कुछ मिलेगा। हम उधर से लोग भी भेजते थे हिंदुस्तान में पढ़ने के लिए, लड़की लड़के वो फ्री भेजते थे और हम ये भी कहते थे कि भाई इधर भी शुरू करो। अब इधर तो शुरू करते नहीं, इधर सबका ये है। और मुझे तो है ये हैरानी हुई कि वो आया है कि मैं मेरा नाम आया है तो गूगल में जो कि वर्ल्ड का है कि जनरल हून जो है वो एक कश्मीरी पंडित है और वो सब पूरा उन्होंने दे दिया कि ये कहाँ थे, कहाँ से कहाँ आए, एबटाबाद में थे, कश्मीर में आ गए, कश्मीर तो हमारा था और बहुत अच्छा चल रहा था। अब इनकी मर्जी है, सबको हटा दिया है उधर से, अब क्या करें? करना चाहिए क्यों नहीं, उनको देना चाहिए ना कुछ, तब होगा। क्या लग रहा है, क्या बेरोजगारी एक वजह है? आप बेरोजगारी एक वजह मानना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वो गोली मार के वहीं पीएन हून जी, क्या जो बेरोजगारी है क्या उसको एक वजह आप मान रहे? इस तरह से बलगड़ा देते हैं अलगाववादी नेता पाकिस्तान के संगठन? बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है। ये उधर हो क्या रहा है, क्या कुछ करेंगे तभी होगा ना, तभी हमारे अच्छा, जब तक नहीं होता तब तक हमारे जो बच्चे हैं और उधर हैं उधर से हम इंडिया भेज सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं, सीख के आ जाएं, एक साल में बाहर हम उनको ले जाएं और कश्मीर में शुरू कर दें। और कश्मीर में जो हो रहा है ये पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश है पूरी तरह से, और उसी के चलते ये सब कुछ हो रहा है। और पाकिस्तान की नीतियों का, उसकी जो नियत है, नीति है, उसका साथ जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पीएन हून जी। क्या राजीव जी पूरी तरह से पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो रहा है, वो मोहरों की तरह अलगाववादी नेताओं को इस्तेमाल कर रहा है? जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात को समझना चाहिए, और ना तो पाकिस्तान अलगाववादी नेताओं को ना तो मोहब्बत करता है, ना प्यार करता है, ना लगाव है, सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, ये नेताओं को भी समझ लेना चाहिए। देखिए आसिफ जी, पाकिस्तान अपने मंसूबों में जो कामयाब हो रहा है
वो अकेला कामयाब नहीं हो रहा है, उसको हमारे देश की सरकार कामयाब होने दे रही है। ये बड़ी कड़वी बात है मगर सत्य है। अभी हम कुछ दिन पहले की बात करें, करीब 15-20 दिन पहले की बात करें, जिस देश के गृहमंत्री खुले मंच से ये कहते हों कि जो आतंकी और पत्थरबाज जो सेना पर सैनिकों पर पत्थर मार रहे हैं और उनकी हत्या तक कर रहे हैं, वो नादान बच्चे हैं, उन पर लगे मुकदमों को भी वापस किया जाएगा। क्या ये आतंक को बढ़ावा देना नहीं है? क्या ये टेररिज्म को बढ़ावा देना नहीं है? आप गृहमंत्री हैं, आप उनसे हमदर्दी भी रख रहे हैं बच्चों से कि वो नादान हैं। आप तमाम सरकारी सुरक्षा छोड़ करके और आपके दो बेटे हैं उनको साथ लेकर के वहाँ जाइए कश्मीर में और उन नादान बच्चों से मिलिए, बात करिए, आपको पता लग जाएगा वो बच्चे नादान हैं या शैतान हैं। उन बच्चों को नादान कैसे कहा जा सकता है जो देश की आर्मी पर अटैक करने की हिम्मत जुटा रहे हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं, जो देश की सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, जो पूरी व्यवस्था को, पूरे देश की गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, और कुछ चुनिंदा लोग हैं वो जो आतंक के शेल्टर में पड़ रहे हैं। लेकिन लोकसभा और देश की राजनीति, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कहा था बीजेपी ने कि हम सख्ती से काम करेंगे, 56 इंच का सीना होना चाहिए, अब 56 इंच का सीना कह रहा है कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके मुकदमे, वही मैं कह रहा हूं, जब आप छोटे छोटे पत्थरबाजों को नहीं रोक पा रहे हैं और आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन की सेना को मुंहतोड़ जवाब देंगे, आपसे ये तो रुक नहीं रहे हैं। ऐतिहासिक दो चीज होती है, एक शक्ति, एक इच्छा शक्ति, एक दृढ़ इच्छा शक्ति। सरकार में दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है, जिस दिन दृढ़ इच्छा शक्ति से ठान लेगी ये पत्थरबाज तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े आतंकी या तो मारे गए या फांसी चढ़ा दिए गए। मगर बड़ा सवाल इस बात का है कि सरकार के पास जिस दिन इन आतंकियों पर कार्रवाई कर देगी, राजनीतिक मुद्दा नहीं बचेगा। चुनाव आ रहे हैं, सरकार को देशभक्ति भी दिखानी है, लोगों से वोट भी बटोरनी है, और यह भी दिखाना है कि हम जवान और देश के लिए कितने सेंसिटिव हैं, कितने गंभीर हैं। मिश्रा जी, ऐसा है नहीं, ये सिर्फ मात्र दिखावा है। एक मिश्रा जी, सुनिए मेरी बात। अगर क्या अकेली आशियाई आतंकवादी शेल्टर और देशद्रोहियों की गतिविधियों में लिप्त थी? बाकी लोगों को क्यों नहीं उठाया गया? यासीन मलिक को क्यों नहीं उठाया गया? जितनी आतंकी वहां सरगना है उनको क्यों नहीं उठाया गया? यही सवाल, उन पे आखिर मेहरबानी क्यों? एके मिश्रा जी, यही सवाल है कि आप पहले से अगर कार्रवाई करते, आपको सब कुछ मालूम है, इनको पनपाया है, राजनीतिक हालात मजबूत की है, सबसे ज्यादा हालात खराब, कितने दिन दूध पिलाओगे? राजीव जी, फिर से आऊंगा आपके पास। जो राजनीतिक हालात, जो अलगाववादी नेता है, जो राजनीतिक हालात वहां पर हैं, वही सबसे ज्यादा बलगड़ा रहे हैं वहां के बच्चों को, उकसा रहे हैं वो, उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन जड़ पर कार्रवाई कहां कर रही है सरकार? आसिफ, देखिए, मैं अभी दूसरे रक्षा विशेषज्ञ जो हुन साहब है, मैं उनको सुन रहा था, बात बेरोजगारी भी की भी चली थी। देखिए, अगर दो फैक्टर को देखा जाए तो मैं 70 साल आजादी के बाद से मैं लेता हूं, मैं बोलता हूं कि जब पॉलिटिकल वैक्यूम वहां पे नहीं था, उस टाइम पे जब सरकारें थी, कोई एक सरकार थी कांग्रेस की थी, तब क्या इस तरीके के बवाल वहां पे नहीं होते थे? तब भी होते थे। कश्मीर की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है आजादी के बाद से ही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे किसी और की। तो ये बोलना कि पॉलिटिकल वैक्यूम के कारण ये चीज है, मैं उसको नहीं मानता हूं। देखिए, दूसरी चीज ये बोलिए बेरोजगारी के लिए, मैं उसको भी नहीं मानता हूं, मैं वहां गया हूं। आप देखिए, बिहार का एक आदमी जिसके पास नौकरी नहीं होती है वो 1400 किलोमीटर दूर रोजगार पाने के लिए चला जाता है। कश्मीर के लड़के जो है, उनकी फैमिली वाले खुद उनको बाहर, भारत में किसी ने उनको रोजगार देने से मना किया हुआ है? कई बार आप देखते हैं कि अगल बगल के गलियों में शॉल बेचते हुए लोग मिलते हैं। सवाल यह है, वो खुद उन्होंने अपने आप को कंटेंट करके वहां पे रखा हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी फैसिलिटी उनको जाती रहती है, खाने पीने के लिए मिलता रहता है। कश्मीर में इतना बड़ा टूरिज्म था, इतना रोजगार था कि कुछ पूछने वाली बात नहीं है। उसको खत्म किसने किया? उसको खत्म किया वहां के नेताओं ने। कुछ ऐसे नेता हैं जिन लोगों ने इन चीजों को शह दी, उसमें आकर के वहां के जो लोकल लोग हैं, वार जहां पे होगी, क्राइसिस वहां पे होगी। अफगानिस्तान में यही हुआ, आप देख लीजिए, अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, सीरिया बर्बाद हो गया, सैकड़ों साल लगे थे सीरिया में बनने के लिए, वहां बिल्डिंगें बर्बाद हो गई। तो वहां के पब्लिक को यह समझना चाहिए। अभी मैं आप ही के टीवी पे देख रहा था, जो ये पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे ना, इनको बोलना चाहिए, इनको बताना चाहिए हम लोगों को कि 1971 की तुम जंग याद कर लो, पाकिस्तान जिनसे तुम्हें इतनी मोहब्बत है
उनका कैरेक्टर क्या है ये तुम 1971 के पहले बांग्लादेश में देख लो। हाँ। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम पाकिस्तान में मिल करके तुम्हें जन्नत मिल जाएगा ना, तो इसका जीता जाता उदाहरण बांग्लादेश है। मैं वही बोल रहा हूँ, देखिए है क्या एक चीज ये है, इस मुद्दे पे 70 साल के बाद चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, अब आपको एकदम क्लियर कट आपको अपनी आइडियोलॉजी, अपनी स्ट्रेटजी, अपनी फिलॉसफी, अपनी डॉक्ट्राइन रखनी पड़ेगी। डॉक्ट्राइन ये रखनी पड़ेगी कि आप सेपरेट करिए, हिंदुस्तान की ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो कश्मीर में पत्थर फेंकने वाले आतंकवादियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती हो उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई की जाए, वहां के पब्लिक भी जो इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं वो भी उनको भी इक्विवेलेंट उतना ही दोषी माना जाए। अगर पूरे वॉर को ये फाइट करना है, और सुरक्षा बल देखिए सुरक्षा बलों में कमी नहीं है, वो तो दिन पर दिन जो है मार रहे हैं, सवाल ये है जो दूसरे पहलू हैं आप उसमें सॉफ्ट क्यों है? नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, जवान जो है वो काम कर रहे हैं, सेना काम कर रही है, लेकिन दूसरे पहलू पे जहाँ काम करना चाहिए वहां पर काम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट क्यों सॉफ्ट ही पड़ी? देखिए आसिफ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बात कहना चाहूंगा। देखिए मोदी साहब ने भी प्रॉमिस किया था कि 370 धारा हटा देंगे, और बड़े बचाने में कामयाब रहा था। अगर इन्होंने थोड़ा भी स्टेप लिया होता, और अभी भी टाइम है, देखिए ये तो बहुत राइप है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि इट्स द बेस्ट टाइम टू एबॉलिश आर्टिकल चीज, क्योंकि इस समय कश्मीर इज बर्निंग, और जो कुछ होना है अभी होना है। अगर इस समय वो आर्टिकल 372 के एबॉलिश कर दें तो क्या हो गया, महीने 20 दिन और होगा उत्पात, जो भी इन्हें करना होगा। नहीं, 70 साल से हो रहा है, 70 साल और हो जाएगा, हम तैयार हैं। बिल्कुल, जो ये 10-20 दिन महीने भर और होना और हो जाएगा, इसके बाद ये सारा मामला ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, जहाँ तक ये जो बात लोग कह रहे हैं कश्मीर के नौजवान बेरोजगार हैं, तो ये बेरोजगारी किसने वहाँ को क्रिएट की है? खुद हालात उन्होंने बनाए, फ्री में बैठ के खाने की आदत पड़ी है, ये तो उन लोगों ने खुद ही की हुई है। सारा देश चाहता है कि कश्मीर में जाकर घूमें और सैर करें और छुट्टियाँ मनाएं, और कितनी आमदनी कश्मीर के लोगों को हो, लेकिन जब वहाँ के लोग ही इसके लिए तैयार नहीं है और वहाँ के लोग अब डरे बैठे हुए हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए सरकार के टाइम में सरकार कोई भी फिर बिना कश्मीर के बनती नहीं थी, इतना रोजगार था, कोई योजना वहाँ चली नहीं सकती, क्योंकि जो नेता वहाँ के हैं वो ये नहीं चाहते, और जो डेवलपमेंट पाकिस्तान का इतना बड़ा श्रम उन लोगों को मिला हुआ है, ये जो यासीन मलिक और ये जो वहाँ लोग बैठे हुए हैं, इनको भारत सरकार भी पैसे देती रही है, भारत सरकार सुरक्षा दे रही है। तो अगर आप ही इनको पाल रहे हो और 370 आर्टिकल आप बारिश नहीं कर रहे हो, तो कश्मीर की समस्या आप क्या हल करोगे? नहीं, आप अपनी डॉक्ट्राइन क्लियर करिए ना, दोनों तरफ रहकर आप सॉल्व नहीं कर सकते। स्थिति बनी हुई है और वो स्थिति और खराब होती जा रही है। जो धारा 370 बचाने वाले लोग थे उन्हीं के साथ आपने सरकार बना ली, बिल्कुल, तो आप कैसे खत्म करेंगे? क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारा मकसद था कि धारा 370 को बचाना, और हमने छूने तक नहीं दिया बीजेपी को, तो आप कैसे अपने मकसद में कामयाब होंगे? आप उन्हीं लोगों के जब साथ, ये जो इन्होंने महबूबा के साथ साठगांठ करके सरकार बनाई और जो आर्टिकल 370 वाली बात को स्टे कर दिया, ये बहुत बड़ी गलती इनकी थी। और अगर अभी भी मौका है इनको, और वैसे भी चुनाव आ रहा है, अगर इस समय आर्टिकल 370 बारिश कर दें तो इनके लिए चुनाव में भी बहुत बड़ा मददगार होगा सरकार के लिए, और अगर ये नहीं करेंगे और कश्मीर की स्थिति नहीं समझी, तो इनके लिए ये 2019 का चुनाव बहुत ही महंगा पड़ेगा। आप देखेंगे कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा इस समय देश में हो रहा है, क्योंकि सारा देश देख रहा है कि रोज कुछ न कुछ हो रहा है, और रोज कुछ लोग मर रहे हैं, अपने देश के अपने सैनिक मर रहे हैं, पुलिस वाले वहाँ के मर रहे हैं, लोकल लोग मर रहे हैं, और सरकार एक्टिव नहीं हो पा रही है उस तरह जितनी सरकार को एक्टिव होनी चाहिए थी और जितनी जनता इनसे उम्मीद करती थी। तो मैं तो ये कहूँगा कि आर्टिकल 370 को बारिश करने का सबसे अच्छा समय इस समय भारत सरकार के पास है। लेकिन राजीव जी, क्या इतना वक्त है कि आप हालातों को कंट्रोल में कर लेंगे? ये देखिए आसिफ जी, नहीं है इनकी, आसिफ जी वक्त तो बहुत हैं, और मैं आपको बताऊं, जिस देश में अगर इच्छा शक्ति हो पूरे देश की करेंसी चेंज की जा सकती है, वहां भारत 370 इतना बड़ा लोकतंत्र, इतनी बड़ी सेना, सारे संसाधन हमारे पास। उसके बाद आसिफ जी, मैं एक चीज पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। मैं 2009-10 में उत्तर प्रदेश लेकर चल रहा हूँ आपको, जब BSP की गवर्नमेंट थी वहां मायावती, और बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का फैसला आना था। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, और इनपुट ये मिल रहे थे कि कुछ भी हो सकता, बाद में वाली स्थिति भी हो सकती है, बड़े दंगे भी फैल सकते हैं। वो प्लानिंग थी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती की,
इतनी सुरक्षा व्यवस्था की, इतना सब कुछ किया, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था की कि एक पत्ता तक नहीं हिला और पूरे प्रदेश में कहीं कोई भी घटना की, अप्रिय घटना की कहीं से कोई सूचना नहीं। जब इतने बड़े प्रदेश में जिसको अराजक प्रदेश कहा जा सकता है, अराजक प्रदेश कहते हैं, जब वहाँ ये हालात सुधारे जा सकते हैं तो वहाँ क्यों नहीं सुधारे जा सकते? सरकार, मैंने अभी भी कहा है, इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। दूसरी बात, अभी कह रहे थे उन साहब के वहाँ बेरोजगारी, पाकिस्तान से वहाँ तैयार करके उधर से यहाँ भेजे, फ्री में पैसे आ रहे हैं, फ्री में पैसे आ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, नहीं आ रहे हैं पैसे, इंडियन गवर्नमेंट भी दे रही है, उनके साथ बैठकें कर रही हैं। जिस देश की सरकार को किसानों को पास, किसानों के साथ बैठक करने का समय नहीं है, किसानों की बात सुनने का समय नहीं है, वो आतंकियों के साथ बड़े बड़े 5-स्टार होटलों में बैठक कर रही हैं और अन्नदाता कहे जाने वाले किसान पर गोलियां चलवा रही हैं और आतंकियों को सुरक्षा दे रही हैं। तीसरी बात, आसिफ अकबर लोन नामक विधायक जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाता है और देश की सरकार उस पर देशद्रोह लगा के जेल नहीं भेजती। क्या ये नहीं माना जाएगा कि सरकार का सॉफ्ट कॉर्नर है और सरकार आतंक को बढ़ावा दे रही है? आप बताइए। मगर ये सरकार देशभक्त है। जो सवाल पूछेंगे पत्रकार या जो भी लोग पूछेंगे रक्षा विशेषज्ञ, वो देशद्रोही माने जाएंगे सरकार। जो ये कहे वो ठीक है। कल तक महबूबा मुफ्ती जो आतंकियों को पाल रही थी, जो बुरहान वानी के परिजनों को मुआवजा दे रही थी, वो इनके साथ सरकार में थी तो वो देशभक्त थी, आज वो देशद्रोह है। आज ये महबूबा मुफ्ती को बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और केंद्रीय गृह मंत्री कैसे देशद्रोही कहेंगे? देखिए, जो अगर कल बेईमान था आज वो ईमानदार नहीं हो सकता। एक कहावत है, चोर चोरी से चला जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जा सकता। अगर वो कल देशद्रोही थे तो आज भी देशद्रोही हैं, कल भी देशद्रोही रहेंगे। आपकी क्या मजबूरी थी उनके साथ सरकार बनाने की? महबूबा मुफ्ती ने तो कह दिया कि मैं तो धारा 370 बताने के लिए समर्थन की हुई थी। आप क्या जनता को जवाब देंगे? आपने कितने सेना के जवान शहीद करवा दिए? क्या सिर्फ इसीलिए कि कुर्सी बचा के रखें? क्या फर्क रह गया आप में और कांग्रेस में? वो भी आतंकियों के सरगनाओं के साथ सरकार बनाई रही थी और आप भी बना रहे थे। आपने बिहार में जिसको कहा था कि नीतीश कुमार आतंकी शरदजहां के अब्बू हैं, आज आप उसी आतंकी शरदजहां के अब्बू के साथ सरकार बना रहे हैं। फर्क कुछ नहीं है आप में कांग्रेस में, वो भी सत्ता से प्यार करती थी और आप भी सत्ता से प्यार करते हैं। जी, क्या यही सारी चीज, सत्ता सिर्फ पाना उसको बचाना, क्या यही एक मजबूरी बन गई है कि हमारे देश के खिलाफ अगर नारेबाजी भी कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्ती से पेश नहीं आ पा रहे हैं ये लोग? आसिफ, देखिए, मैं तो इस चीज को खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ। एटलीस्ट अपने देश में अगर देखा जाए ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो, सबसे पहले उसको प्यारी होती है अपनी कुर्सी, अपनी जीत। सबसे पहले वो इस चीज को बचाने की कोशिश करते हैं, बाद में चीजों को बचाने। मैं आसिफ, मैं हैरान हूं। आप ये बोलो, आपने खुल्लम खुल्ला सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और दो जगह आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, क्या हुआ? पूरी दुनिया कुछ नहीं उखाड़ पाई भारत का, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। मैं बोलता हूं, चाहे धारा 370 हटानी हो, चाहे सेना पे जो पत्थर जो है जो लोग फेंक रहे हो, या किसी और तरीके से अलगाववाद की राजनीति कर रहे हैं, आप अपने विजन को, आप अपने उद्देश्य को, आप अपनी आइडियोलॉजी को सरकार से, मेरा सवाल है, क्लियर करके क्यों नहीं रखते हो? आप बोलो कि कोई भी आदमी अगर भारत माता मुर्दाबाद हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे अगर बोलेगा तो उसका अंजाम ये होगा, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे कश्मीर में हो। यहाँ तो लोग विधानसभा वगैरह में भी जो है नारे लगा दे रहे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? और एक सबसे खतरनाक चीज मैं बताऊं, जो ये ढील गवर्नमेंट दे रही है, सॉफ्ट कॉर्नर है, आज की डेट में अगर ये सेना पे पत्थर फेंक रहे हैं, पूरे ग्लोबल उसमें इमेज क्या बनेगी? इमेज ये बनेगी कि जी देखो जी, भारत की सेना तो क्या है, कोई भी उनको कोई कर दे। तो देखिए, ये सेना का बहुत, ये वही सेना है जिसने केवल मतलब कुछ दिनों में 90,000 सैनिकों का जो है सशर्त आत्मसमर्पण करवा दिया, मतलब बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करवाया था। की तीनों लड़ाई जीत, पाकिस्तान को दो टुकड़ों में फाड़ दिया था, ये वही सेना है। लेकिन इस सेना की गरिमा को ये राजनेता लोग गिरा रहे हैं। सेना के ऊपर छोड़ दिया जाए, सेना तो अपना काम कर रही है, लेकिन सरकारें कर रही है क्या? आसिफ, आसिफ एक डिफरेंस है, आसिफ एक डिफरेंस सुन लीजिए, सेना के साथ पॉलिटिकल तालमेल होना जरूरी है, सेना तभी नहीं। मैं आपके पास आऊंगा, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ, मीनाक्षी आचार्य भरथवाल जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्वागत है। मीनाक्षी जी, इस वक्त जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ चल रहा है, अलगाववादी नेताओं की गिरफ्तारी, बुरहान
कि कल बरसी है। इसके अलावा पीडीपी के कई नेता भी टूट चुके हैं, क्या ये हालात और भी खराब करने के लिए ये पूरी तरह से समा बन चुका है, इसका असर क्या पड़ेगा हालात पर? जी हाँ, मुझे तो एक चीज समझ में ही नहीं आती, जो बुरहान वानी है वो अगर आतंकवादी था और वो अगर मर चुका है तो ये बार बार जो अलगाववादी जो है उसका वो करते हैं वार्षिक जो वो मनाने की, हाँ मनाते हैं, बरसी मनाते हैं, तो ये कहाँ का औचित्य है? ये बेसिकली जब हम आप वहाँ पे धरातल पे जब आप जाएंगे, जब कश्मीर में आप रहेंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके के नारे लगते हैं। मैं वहाँ पे 90 से कंटिन्यूसली रही हूँ, मैं हर साल गई हूँ वहाँ पे कवरेज करने के लिए, तो जब इनके जो स्लोगन्स निकलते हैं वो इतने ज़्यादा अपने देश विरोधी होते हैं कि आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे स्लोगन्स ये लोग लेके चिल्लाते हैं। ये फिजा में जहर कौन घोल रहा है मीनाक्षी जी? ये तो जन्नत की फिजा में जहर कौन ये घोल रहा है? तो ये जो अलगाववादी जितने भी अपने नेता हैं वो तो है ही हैं, साथ साथ में जितने अपने पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ पे, पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कांग्रेस रही हो, सबका ही ये काम रहा है कि इन्होंने कभी भी आज तक इनके ऊपर कठोर कार्यवाही कभी की ही नहीं है। इनफैक्ट ये करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये जो सॉफ्ट कॉर्नर रख के बेसिकली जो इनके जो वोट का जब इलेक्शन होते हैं तो यही लोग हैं जो कि इनके जो मैंडेट को पूरा बनाते हैं, इनके सपोर्ट में वोट डलवाते हैं, तो ये इनको यूज करते हैं और ये उनको यूज करते हैं। दोनों तरफ से ये गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है कि आप हमें कुछ मत कहिए और जब इलेक्शन होंगे तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए। तो ये जो है, क्योंकि ये तो देश विरोधी आतंकवादियों को तो मानते ही नहीं है, ये देश विरोधी मानते हैं, सेना को मानते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को देश विरोधी मानते हैं, या जो देश की बात करना चाहे उनको देश विरोधी मानते हैं। तो इस तरीके की ये जान के ये जनाजे का जो बरसी है, इस तरीके से आतंकवादियों को जो शहादत इनके नाम पे जो कहते हैं, इन सबका मीनाक्षी जी, इन सबका असर जो है वहाँ के माहौल के ऊपर पड़ता है, माहौल के ऊपर पड़ता है, और जो छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनकी जो साइकी है वो उसी तरीके से डेवलप होती है, वो इतना इसको हीरोइज्म की तरफ उसको बनाते हैं कि ये तो हमारे जैसे हीरो हैं। जब हम 90 में गई थी मैं वहाँ पे, तो जितने भी आतंकवादी कश्मीर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से जब ट्रेनिंग लेके आते थे तो उनके जश्न मनाए जाते थे, उनके लिए बड़ी बड़ी दावतें की जाती थी, और यहाँ तक उनके लिए ये बोला जाता था कि आपको जो भी हमारी जो कोई भी हम सुविधा चाहिए तो परिवार की तरफ से हम देंगे। तो जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया जाता है, इनको हीरो बनाया जाता है, इनको ये इस तरीके से पेश किया जाता है कि ये हमारे, जबकि मीनाक्षी जी कश्मीर के सबसे ज्यादा दुश्मन यही लोग हैं, इन्हीं की वजह से कश्मीर पिछड़ गया, इन्हीं की वजह से जन्नत जो है वो दोजक बनकर रह गई है। मैं वही कहना चाहती हूँ, 90 में इन्होंने अपने जो हैं हिंदू जितने भी थे उनके अगेंस्ट पूरा माहौल बनाया, आज ये सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट माहौल बना रहे हैं। ये तो चाहते ही नहीं है कि वहाँ पे अमन शांति हो, क्योंकि अमन शांति रहेगी तो जो इनका जो एजेंडा है वो किस तरीके से फले फूलेगा, जो इनके पास में जो बाहर से फाइनेंसेस आते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि अलगाववादी नेता ये सिर्फ अपने लालच की वजह से पैसे बनाने के लिए, ये वहां से जो पाकिस्तान से मोटा पैसा आ रहा है उसको कमाने के लिए, और उन पैसों का फायदा अपने बच्चों को दे रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, पूरी सुख सुविधा वो पा रहे हैं। वो किसका पैसा है? वो दूसरे देश का ही पैसा है, और दूसरे के बच्चों के भविष्य और जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। मीनाक्षी जी बहुत बहुत शुक्रिया। ललन प्रसाद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, साथ में मेरा एक सवाल भी है, मैं क्या अलगाववादी जो नेता हैं, क्या ये जो है इनको प्यार मोहब्बत नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान से जो पैसा आ रहा है उस पैसे को ले रहे हैं और अपनी जिंदगी के मजे ले रहे हैं, उनके बच्चे ऐशो आराम विदेशों में कर रहे हैं, क्या यही उनका एक मकसद है? जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए। ललन प्रसाद जी देखिए, ये तो बात साफ जाहिर है, जो यासीन मलिक है और ये सब जितने अलगाव वाले नेता हैं, सबके बच्चे कहीं ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं, कहीं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं, कहीं वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वहीं से आ रहा है, पाकिस्तान से ही आ रहा है पैसा। अच्छा, कश्मीर की तो स्थिति देखिए हमेशा से ऐसी रही है, और जब 70 साल से यही हम यही देख रहे हैं कि जो अलगाव नेता हैं इनको भारत सरकार ही प्रश्रय देती रही है, और ये जैसे अभी कहा गया ना कि चुनाव का समय आता है तो इनसे समझौते हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ें होती रही,
ये तो गलती हमारी है। तो जब तक हम बहुत कड़ा स्टेप नहीं लेंगे और वो समय आ गया कि हम वो स्टेप लें। और दो तीन बातें देखिए, मैं आपसे और भी कहना चाहूँगा कि जैसे कश्मीरी पंडित निकाले गए पर उसके बाद जितनी पार्टियाँ थी, इनकी कांग्रेस की सरकार बनी और फिर बीजेपी की सरकार बनी, सबने प्रॉमिस किया कि हम पंडितों को वहाँ बसा देंगे। आज तक एक पंडित वहाँ नहीं बसाया गया। और जो जमीन वहाँ पर सरकार प्रोक्योर करना भी चाहती थी वो वहाँ की लोकल सरकार ने मना कर दिया। और अब तक ये स्थिति है कि बेचारे पंडित शरणार्थी बने हुए हैं और भारत के दूसरे दूसरे कोनों में सब जगह अपने घर द्वार देकर और अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। सरकार यहाँ इतनी इस हद तक नाकाम हुई कि अपने देश की धरती पर ही अपने ही लोग नहीं जा सकते और जो बाहर की शक्तियाँ हैं उनके लोग आकर वहाँ पर उनके ऊपर राज कर रहे हैं। पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, उनके घरों में घुस रहे हैं, उनको मार रहे हैं और हम इसको 70 साल से बर्दाश्त करते जा रहे हैं और अब भी हम कोई कड़ा स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं। मैं समझता हूँ कि समय आ गया कि जब सेना को खुली छूट देनी चाहिए और ये बात सेना को बता देनी चाहिए कि कश्मीर को हम भारत का अभिन्न अंग सिर्फ बात में नहीं बल्कि वास्तविकता में कर रहे हैं। आपको आप कह रहे हैं कि सेना को पूरी तरह से छूट दे देना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन सेना तो लगातार आतंकवादियों को मार ही रही है। सेना के अलावा जो हमारी बाकी संस्थाएं हैं वो भी बेहतर काम करें, केंद्र सरकार भी उसको लेकर काम करे, जांच एजेंसियां बढ़िया काम करे, जांच एजेंसियों को भी खुली छूट दी जाए, पुलिस को भी छूट दी जाए और सरकारें भी काम करे, तब इसका सफाया होगा। खाली सेना से नहीं होगा, सेना तो कर रही है अपना काम। ये तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल विल है ही नहीं। जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खड़े होकर लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान के 100 टुकड़े कर देंगे, 1000 टुकड़े कर देंगे, कश्मीर को बांट देंगे, कश्मीर को पाकिस्तान को दे देंगे, जब यहाँ तक छूट है लोगों को बोलने की, जहाँ से सरकार चल रही है, देखिए हिंदुस्तान मिलिट्री चाहे जितना बड़ा देश हो गया हो लेकिन ये बहुत सॉफ्ट मुल्क है और यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। मैं यहाँ पर चाणक्य की एक बात आपको कहना चाहूँगा। चाणक्य ने कहा था कि सम्राट या राजा वही सक्सेसफुल होता है जो अपने साम्राज्य का विस्तार करता है, सिर्फ उसकी रक्षा नहीं करता। अब आप चीन को देख लीजिए, चीन ने तिब्बत ले लिया आपसे, चीन लंका में घुस रहा है। आपको पता है कि लंका एक टापू है, वो चीन ने कब्जे में कर लिया आपने, क्योंकि इतना कर्जा लंका को दिया नेपाल पर सब पे डोल, लंका सरकार उसको पे नहीं कर पा रही है, तो उसने 99 ईयर्स का लीज ले लिया, वो टापू ही कब्जे में कर लिया। अब चीन नेपाल में घुस रहा है, तो चीन को देखिए, जो चाणक्य ने कहा मैं देखता हूँ कि चीन की सरकार एग्जैक्टली वही कर रही है। धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है और हम सिकुड़ते जा रहे हैं। हमने तिब्बत दे दिया, जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत दे दिया, ये कह के पठारी इलाका है, इसमें क्या रखा है, वो चीन को ऐसे ही दे दिया। जवाहरलाल नेहरू ने यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में चीन की वकालत की कि चीन को इसका मेंबर बना दिया जाए। भाई आप इतने बड़े देश से अपने देश के लिए आपने ट्राई नहीं किया, ये फर्स्ट ऑफर इंडिया को मिला था। अब वो चीन आपके खिलाफ हो गया, अब वो आपको ही नहीं घुसने देता हमें बनने नहीं, और आपने उसको मेंबर बनवा दिया। तो ऐसी मेहरबानी जो कंट्री करेगी, इतना सॉफ्ट नेशन हम हो गए कि हम लुटा रहे हैं अपनी चीजों को और चीजें बढ़ाने की जगह, संपत्ति बढ़ाने की जगह हम अपनी संपत्ति दूसरों को दे रहे हैं। एक मिश्रा जी, बर्दाश्त की भी कोई हद होती है? जिस तरह से हमारे विश्वविद्यालय में हमारे देश के खिलाफ ही, जहाँ से हमारी सरकारें चल रही हैं, जहाँ से देश की राजधानी है, वहाँ पर इस तरह के नारे लग रहे हैं, घाटी में हमारे जो है झंडे जलाए जा रहे हैं, अपमान किया जा रहा है, दूसरे देश के झंडे फहराए जा रहे हैं, इतना बर्दाश्त क्यों किया जा रहा है? आसिफ, इसके पीछे केवल और केवल पॉलिटिकल जो है विल की कमी है। देखिए, एक जो और सारी चीज सेना पर नहीं, मैं देश के दूसरे हिस्सों की अगर बात करूं, जेएनयू वगैरह की, मैं ये बोलता हूं कि इनकी जो मतलब जो आइडियोलॉजी है, जो नियम कानून है, मैं बोलता हूं कि आप अभी नॉर्मल लाइफ में सड़क पे जाते हुए आप सिग्नल क्रॉस कर दीजिए और कोई पुलिस वाला देख ले तो आपको दंड भुगतना पड़ता है, कानून वहां काम करता है। इतने बड़े मामले में कानून क्यों नहीं काम करता है? कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल शाह मिल रहा है ना, कुछ लोग उसको फेवर करने के लिए आ जाएंगे राजनेता, कुछ मीडिया चैनल उसको फेवर करेंगे, कुछ विरोध करेंगे। दूसरी चीज, कानून को भी फ्री होकर के काम नहीं करने दिया जा रहा है ना। यहाँ पे कन्हैया कुमार के ऊपर ये आरोप है कि भाई आपने ऐसे ऐसे किया,
आप ये देखिए, अब कानूनी प्रक्रिया भी ऐसी है, वो 10 साल तक चलेगा, जजमेंट ही नहीं हो पा रहा है, आप इन्वॉल्व थे कि नहीं थे। मेरे कहने का मतलब एकदम आपको क्लियर करना होगा कि ये चीज करने पे देशद्रोह का मामला बनेगा, उसमें जमानत नहीं होगी, सख्त से सख्त कानून बनाए और उसको इम्प्लीमेंट करे। रही बात कश्मीर के इशू की जो आप बात कर रहे थे, देखिए वहां कैसे मैनेज किया जाए। देखिए सबसे बड़ी गलती क्या है कि जब वहां के जो दूसरे और लोग थे जो वहां से पलायन कर गए, वो किसी भी जाति और बिरादरी के हों, मैं बोलता हूं उनको वहां पे रीस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी है। उसका रीजन है क्योंकि जब तक देखिए अब 100% पॉपुलेशन, अगर उसमें पॉपुलेशन वहां की ओरिजिनल नहीं आएगी, अगर कुछ एडिशनल पॉपुलेशन आ गई तो डेफिनेटली वो लोग उसका विरोध करेंगे। तो टेररिज्म के लिए एक नेचुरल जो है वहां की पॉपुलेशन ही उनके अगेंस्ट खड़ी होगी। तो इस चीज को जो मैं बोल रहा था कि साइकोलॉजिकल वॉर भी आपको लड़ना है, आइडियोलॉजिकल वॉर भी आपको लड़ना है, तो आप वहां पे इन सब चीजों को भी करना पड़ेगा। एक इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको जो है वहां पे अपनाना पड़ेगा और एक साइकोलॉजिकल लेवल पे भी गवर्नमेंट को, इनकी कैंपेन हो रही है, ये कल ये मना रहे हैं, तो क्यों नहीं उस कैंपेन को फेल करने के लिए आप जो है, अभी मैं टीवी पे भी देख रहा था कुछ लोग ऐसे बैठे हुए थे जो कि इसको फेवर कर रहे थे। अरे मैं बोलता हूं आप किस, जो लोग डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में जिनको बड़ी मोहब्बत है आज़ादी की या इन सब चीज़ों की, अगर इतनी मोहब्बत है आज़ादी की तो जरा इतिहास उठा के देखो ना, बांग्लादेश ने क्यों आज़ादी ले ली उस रिजीम से, उस पाकिस्तान से, जिनके लिए कि ये लोग बोलते हैं कि जी वो तो जन्नत है, ऐसे है वैसे है। इनका इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में माहौल खराब करने के लिए। अरे आसिफ समझ रहे ना, आसिफ ये इसमें वकील भी हैं, सब हैं, ये बच्चे नहीं है, सब अच्छे खासे पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर ये सारे हैं, तो उनको वो मैच्योर है, वो वोटिंग देने का राइट है। इसका मतलब है कि आप मैच्योर हैं और आप कानून को समझते हैं और आप ये जानते हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, तो ये विलफुल एक्ट हो रहा है। तो जो लोग ऐसा कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनके साथ अपना विल पावर क्यों नहीं यूज करती है, क्वेश्चन ये है। आप सॉफ्ट कॉर्नर दे देते हो, आप स्केप के लिए एक विंडो उनको हर बार देते जा रहे हो। राजीव जी क्या इसीलिए इस समस्या का समाधान आज तक नहीं निकला, क्योंकि चारों तरफ से हर एंगल से हर दिशा से इसको लेकर वार करना चाहिए, इस बीमारी का इलाज करना चाहिए, लेकिन ना तो राजनीतिक तरीके से होता है, ना तो राजनीतिक दल एकमत होते हैं इसको लेकर, पक्ष विपक्ष ना तो इसको लेकर संजीदगी से काम करता है, ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार काम करती, सिर्फ सेना के ऊपर डाल देते हैं। देखिए सेना अच्छा काम कर रही है। आसिफ जी, जिस देश में आतंकी की फांसी टालने के लिए रात के 2 बजे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खुलवाने के लिए देश के बुद्धिजीवी लोग कतार में लगे हुए, उस देश से आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधि खत्म करना सच में देखने के बराबर से ज़्यादा कुछ नहीं है। जब एक आतंकी को फांसी की सुनाई जा रही थी सजा, उसकी सजा माफ कराने के लिए रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट के जिन लोगों ने दरवाजे खुलवाए थे वो कोई आम लोग नहीं थे, देश के कर्णधार थे। अगर एक आदमी 151 जिसको छोटी सी मारपीट की धारा कही जाती है उसमें भी बंद हो जाता है और पुलिस लेकर अदालत में पहुंचती है तो वहां ये कह दिया जाता है कि अब 5 बज गए, इसकी सुनवाई कल होगी, कल अदालत खुलेगी। आखिर हमारे देश के कर्णधारों को आतंकवादियों से इतनी हमदर्दी क्यों है, मेरी ये बात समझ में नहीं आती। देश के अंदर कितने सारे लोग पीड़ित शोषित जो झूठे मामलों में फंसा करके जेलों में पसड़ रहे हैं, उनकी फिक्र नहीं, उनको कोई वकील और पैरोकार नहीं मिल रहा कि उनकी बात रख दी जाए, उनके लिए 5:30 बजे भी अदालत खुल जाए या 4:45 बजे भी खुल जाए। विडंबना इस देश की यही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी राजीव इन, इन आतंकवादियों के पनाहगारों के कहने पर अदालत लगा दी। कितने पीड़ित है, बहुत बड़ी विडंबना है कि इस देश में आतंकवाद खत्म हो जाए, राजीव सोचने भर की बात। कितने पीड़ित है जिनको इंसाफ नहीं मिला, उनकी छोटे छोटे मामलों में उनको वकील अदालतें स्वतः संज्ञान नहीं ले रही और एक आतंकवादी की फांसी टालने के लिए तो देश की मीडिया की, देश की मीडिया के बड़े बड़े मीडिया हाउस के नंबरदार, बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े नेता आतंकवाद की फांसी, आतंकवादी की फांसी टालने की पैरोकारी कर रहे हैं। सभी को क्या किसी ने छोटे छोटे 250 रुपए के जुर्माने ना पे कर पाने के कारण जो लोग कई कई साल जेलों में चढ़ रहे हैं, क्या उनकी सूद लेने की फिक्र की है? बिल्कुल, इस बात को समझ देश को आतंकवादियों की चिंता है, देश के कर्णधारियों को आतंकवाद की चिंता है, बहुत ज्यादा किसान की सेना के जवान की चिंता नहीं, सभी मेहमानों का। लेकिन इस बात को समझना चाहिए कि हर समस्या का समाधान
सेना ही नहीं कर सकती है। सेना अपना काम कर रही है, बेहतर अपना काम कर रही है, अंजाम उसको दे रही है, लेकिन राज्य सरकार, केंद्र सरकार और प्रशासनिक अमले को भी अपना काम बखूबी करना होगा ईमानदारी के साथ, और उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना होगी जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV100। नमस्कार।